नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। किशोर की गला रेत कर हत्या, खेत में मिला शव। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा दो लोगों को लिया गया हिरासत में, निजी रंजिश या व्यक्तिगत विवाद की संभावना। अंतरिम केंद्रीय आम बजट में भारतीय रेल के लिए खुला खजाना, यात्री सुविधाओं पर दिया गया विशेष बल। पुराने और नए कार्यों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के लिए मिली भारी धनराशि। केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया अंतरिम आम बजट, विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रिया। 3 फरवरी को आयकर कार्यालय परिसर में अत्याधुनिक नवीन आयकर भवन के निर्माण का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के अनुपूरक बजट का किया स्वागत, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई, आतिशबाजी कर ढोल नगाड़े की धुन पर केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की पहल, प्रयागराज कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों के लिए शुरू किया निःशुल्क चाय और बिस्कुट स्टॉल। पिपराइच विधायक ने फीता काट कर किया शुभारंभ। 13 पॉइंट रोस्टर का छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर काली पट्टी बांध कर किया विरोध। केंद्र के अंतरिम आम बजट आने पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने व्यापारियों के संग की आतिशबाजी कर मनाई खुशी, सरकार को दिया धन्यवाद। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सप्त दिवसीय शिविर के अंतर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं और मुख्य मार्गों को साफ कर चलाया जागरूकता अभियान। और स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत फुटबॉल एकेडमी सेंट एंड्रयूज ने कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइच को 3-0 से हराकर फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह किया पक्का। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर के बेलघाट के बसही बनकट गांव में एक किशोर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। गांव के ही खेत में उसका शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि आशनाई के चक्कर में उसकी हत्या की गई है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बसही के बनकट निवासी राम सिधारे पश्चिम बंगाल के कोल माइंस में काम करते हैं। गाँव पर उनका बेटा अरुण कुमार, दादा वंशराज और 2 बहनों के साथ रहता था। शुक्रवार की सुबह अरुण का शव घर से कुछ दूर आलू के खेत में मिला। उसका गला रेता गया था। बहनों के अनुसार बृहस्पतिवार की रात 10:30 बजे सभी लोग भोजन करने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह 6 बजे जब घर वाले उठे तो दरवाजा बाहर से बंद था और अरुण घर में नहीं था। मोबाइल फोन से कॉल कर चाची को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया। उसी बीच गांव के लोगों ने बताया कि अरुण का शव खेत में पड़ा है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एसपी साउथ विपुल श्रीवास्तव, सीओ गोला सतीश चंद्र शुक्ल और थानेदार सुरेश चंद्र राम मौके पर पहुंचे और जानकारी हासिल की। अरुण क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था। उसकी मां का देहांत 5 वर्ष पहले ही हो चुका था। तहरीर देने के लिए मृतक के पिता राम सिधारे का इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि बेलघाट क्षेत्र में एक नौजवान की लाश मिली है, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितनी जल्दी हो सके घटना का खुलासा किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, अरे कौन एक लूटे अरे बाप हो बाप अरे बाप अरे बाप अरे उधर जा वो हो रहा है कुछ चल रहा माधु जी दशरथ जी मुकदमा चल रहा था ना और लड़की के चक्कर में पूजा सिस्टर अरुण मामला यही था कि मुकदमा चल रहा था तो सब सुलह करने के लिए बोल रहे थे सुलह नहीं करेंगे या जान से ख़त्म कर देंगे। हमारे बाबा के छोटे भाई बुला रहे थे, खेत में लाश पड़ा था, हम लोग भाग गए दौड़ के सुबह में। जी, बेलघाट थाना क्षेत्र में एक नवयुवक की लाश मिली थी सुबह, जिस पर तुरंत ही पुलिस ने कार्रवाई करी है और इसमें अभी तक के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है और सख्त इसमें निर्देश दिए गए हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा घटना का खुलासा किया जाएगा। सर क्या वजह रही है कुछ अभी सामने आया? प्राथमिक जांच में कोई अभी खास बात, क्योंकि इसके फादर वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वो अपने संपर्क में हैं, अभी वो रास्ते में हैं, वो पहुंचने वाले हैं, बट फिर भी इसमें कुछ निजी रंजिश या इस तरह का कुछ व्यक्तिगत विवाद होने की संभावना हो सकती है।
वित्त, रेल एवं कोयला मंत्री ने वर्ष 2019-20 का अंतरिम केंद्रीय आम बजट शुक्रवार को प्रस्तुत किया। पूर्वोत्तर रेलवे पर चल रही परियोजनाओं के लिए धन राशि का आवंटन किया गया ताकि परियोजना समय से पूरी हो सके। पूर्वोत्तर रेलवे पर नई लाइन निर्माण, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण मद में पूर्वोत्तर रेलवे पर सभी शेष मीटर गेज रेलखंड, आमान परिवर्तन के लिए सड़क संरक्षण कार्य, यातायात सुविधाओं एवं सभी बड़ी लाइन खंड विद्युतीकरण के लिए धन राशि स्वीकृत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने कहा। बजट तो पूरा पूरा ठीक है, क्या पिछले वर्ष ये पूरा अमाउंट आज जो बजट प्रस्तुत किया गया, आम बजट जो प्रस्तुत किया गया उसमें रेलवे के बारे में बोलते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछला वर्ष जो है भारतीय रेल की इतिहास में सबसे संरक्षित वर्ष रहा, सबसे कम दुर्घटनाएं हुई और पिछले वर्ष जो है हमने जो शेष बची हुई सभी ब्रॉडगेज पर जितनी भी संपार थे अनारक्षित संपार उनको समाप्त कर दिया। जहाँ तक बजट की बात है, रेलवे बजट की बात है, माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की। जो बजट के जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसमें जो चालू कार्य हैं उनके लिए भी निधि उपलब्ध कराई गई है और नए कार्य जो हैं उनके लिए भी उपलब्ध कराई गई है निधि। इसमें यात्रियों के लिए यात्री सुविधाओं पर विशेष बल देते हुए कुल 187 करोड़ रुपए की राशि पूर्वोत्तर रेलवे के लिए उपलब्ध कराई है जिसमें कि पुराने और नए दोनों कार्य उपलब्ध जो हैं सम्मिलित हैं। तो आने वाले समय में हम लोग बड़ी तेज़ी से रेलवे के जो है क्षेत्र में विकास देखने को मिलेगा। यात्रियों को क्या इससे फर्क पड़ेगा, सुविधाएं जो है के पक्ष में कितना है? देखिए यात्री सुविधा के लिए जैसे मैंने आपको बताया 187 करोड़ रुपए की का आवंटन किया गया है। 187 करोड़ बहुत बड़ी राशि है यात्री सुविधा के लिए, जिसमें यात्रियों के लिए जो है प्लेटफॉर्म्स ऊंचे किए जाएंगे, प्लेटफॉर्म लंबे किए जाएंगे, फुटओवर ब्रिज लगाए जाएंगे, नए फुटओवर ब्रिज, इसके अलावा स्टेशनों पर सूचना प्रणाली सुदृढ़ की जाएगी, तो इससे यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अपना 5वां आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल संसद में जैसे ही आम बजट के प्रावधानों का उल्लेख करते जा रहे थे, गोरखपुर क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रिया उसी तरह गोरखपुर न्यूज से अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए बताया कि मध्य वर्ग को 5 लाख तक आयकर में छूट का ऐलान, पीएम किसान योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले छोटे किसानों को 6,000 सालाना खाते में सीधा दिया जाएगा जो 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। इस पर भाजपा पदाधिकारी और विशेषज्ञों ने बताया कि ये बजट ऐतिहासिक और सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व मध्य वर्ग के लोगों ने इस बजट को सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से बताया। उन्होंने कहा कि इसमें ना तो कॉर्पोरेटिव सेक्टर के लिए कुछ है और न ही नौजवानों की रोजगार के सवाल पर कुछ कहा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, CA विवेक कौशल त्रिपाठी, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी, पूर्व गोरखपुर विश्वविद्यालय के डीन व विभागाध्यक्ष वाणिज्य संकाय प्रोफेसर गोपीनाथ, व्यापारी नेता व प्रतिष्ठित व्यापारी प्रमोद टेकड़ीवार और भाजपा महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा। बजट पूरे तौर पर चुनावी बजट है, इसमें जो बातें कही गई हैं 10 वर्षों में पूरा करने के लिए कही गई हैं कि आगामी 10 वर्षों की योजनाएं इसमें दिखाई गई हैं, पूरे तौर पर उसी तरह से जुमला है जैसे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात कही गई थी शुरुआत में और 15-15 लाख रुपए देने के लिए कहे गए थे, उसी तरह से पूरे तौर पर जुमला है। किसानों के लिए जो कहा गया है तो किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको अगर सरकार लागू कर देती तो किसानों का भला हो गया होता, लेकिन किसानों के लिए भी जो इसमें बजट में है वो उसका कोई मतलब नहीं, केवल चुनावी जुमला है और पूरा होने वाला नहीं है। विवेक कौशल त्रिपाठी सर, देखिए आम बजट में तो पहले मोदी सरकार ने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई और जो सैलरी में 5 लाख तक की छूट दी गई है, वास्तव में वो देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में छूट मिली है कि नहीं मिली है, क्योंकि 5 लाख तक जो छूट दिया गया है वो एग्जम्प्शन डिडक्शन के रूप में दिया गया है।
सेक्शन 87 की छूट मिली है जो केवल 5 लाख तक के जो इनकम SSC हैं उन्हीं को फ़ायदा करेगा, उसके ऊपर जो जाएंगे उनको फ़ायदा नहीं करेगा। कुछ इन्होंने EPF में चेंजेस किए हैं, जैसे 21,000 तक जो सैलरी एम्प्लॉई हैं उनको EPF का कटना कंपल्सरी हो गया है, और जो EPF के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 6 लाख तक का बीमा कवर दिया जा रहा है, वो एक अच्छी स्कीम आई है। जो ग्रेचुटी की स्कीम है वो 10 से 20 हो गई है, वो भी एक अच्छी स्कीम है। किसानों को जो योजना दिया रही जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र वाली है वो भी एक अच्छी स्कीम कही जाएगी। तो बजट एक तरह से एंटरिम बजट ही माना जाए इसको, फुल एंड फाइनल बजट नहीं है ये। अरुण कुमार अग्रहरी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। ये आम बजट पूरी तरह जो है चुनावी बजट है। पहली बात तो इनको पूर्णकालिक बजट पेश नहीं करना चाहिए, 2 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव, और पहले के जो उन्होंने बजट पेश किए हैं उसी आधार पे इनका मूल्यांकन किया जाए कि उस बजट में जो जो घोषणाएँ किए वो कितने प्रतिशत पूरा हुआ, चाहे वो गंगा सफाई योजना की हो या 100 स्मार्ट सिटी की हो। उसी तरह इस बजट में किसानों के लिए केवल 6,000 का जो इन्होंने राहत दिया है वर्ष में 500 रुपया प्रति महीना, आप बतलाइए को 500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से जो किसानों की समस्याएं हैं क्या वो दूर हो जाएंगी? इससे अधिक तो स्टेट की गवर्नमेंटें दे रही हैं, तेलंगाना की सरकार 10,000 रुपया सालाना दे रही है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हुआ 2 लाख रुपये तक का कर्जे को माफ़ कर दिया गया। सबसे बड़ी बात बेरोजगारों के समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी कदम, जो सबसे ज्वलंत और सबसे बड़ी मुद्दा है देश के लिए, आज बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनके लिए कोई भी जो है प्रावधान नहीं किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई उस तरह का नहीं है, सिर्फ एक लोक लुभावन बजट जो है चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए ये घोषित किया गया है। किसी देश के विकास के 2 स्रोत होते हैं, एक तो सोशल ओवरहेड कैपिटल में विनियोग और दूसरा है डायरेक्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट। तो वर्तमान जो बजट है वो सोशल ओवरहेड कैपिटल की तरफ है। इस ओर बजट का रुख होने के कारण होता है कि अब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का अत्यधिक विकास करेगी, जिसके कारण उद्योग धंधों को लगाने के लिए जो उद्यमी हैं वह स्वतः प्रेरित होंगे। तो यह बजट जो है देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें किसान और पहली बार सरकार ने जो है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं उनके पेंशन की व्यवस्था किया है। इसके साथ ही साथ किसानों के लिए अनेक प्रकार के योजनाएं उनको दिया गया है, जिसमें उनको 6,000 रुपया प्रतिवर्ष उनको आय इनकम सपोर्ट योजना के अंतर्गत उनको सुविधाएं प्रदान की है। इसके साथ ही साथ जो वेतनभोगी वर्ग है उस वेतनभोगी वर्ग में ख़ास तौर से जो सामान्य वेतनभोगी वर्ग हैं उनको भी आयकर में राहत प्रदान की गई है, जिससे कि उनकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी और देश का आर्थिक विकास करने में तरक्की प्राप्त होगा। इसके साथ साथ GST में भी कुछ दरों में कटौती की गई है, जिसके फलस्वरूप सरकार के आय में थोड़ी सी कमी होगी लेकिन उनका कर का दायरा वो बहुत व्यापक हो जाएगा, जिससे सरकार को अप्रत्यक्ष आय के रूप में अत्यधिक आय प्राप्त होगा और उस आय का प्रयोग सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में वो लगाने में सफल रहेगी। हमारा आशा है कि यह बजट जो है एक कल्याणकारी बजट है, इसको इलेक्शन बजट न करके इसको वेलफेयर बजट कहा जाए तो ज़्यादा न्याय संगत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह एक बार अपना कमेंट था कि यह बजट जो है भारत के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद। प्रमोद कुमार टेकरीवाल। ये बजट पूर्ण रूप से चुनावी बजट है, और बजट शुरू में जब हम लोगों ने देखा तो इसमें ये कहा गया कि 5 लाख रुपए तक पे टैक्स छूट है, तो हम लोगों को ये लगा कि ये 5, और तमाम संसद में सांसदों ने भी तालियां बजाई। बाद में जब इसका स्पष्टीकरण आया तो ये पता लगा जिसकी आय 5 लाख रुपए तक है उसको ही टैक्स की छूट दी गई है, जिसकी 5 लाख से ऊपर इनकम है उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, 2.5 लाख से ऊपर जो है जितनी भी टैक्स है वो देना पड़ेगा। तो एक तरह से ये निम्न मध्यम वर्ग को तो राहत दी गई है, मध्यम वर्ग को इससे कोई राहत नहीं मिली। किसी की इनकम अगर 8 लाख है तो उसे पूरा टैक्स देना पड़ रहा है, तो इससे थोड़ी हम लोगों को निराशा हुई है। लेकिन कुल मिला के बजट ठीक था, किसानों का ध्यान रखा गया है, कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं
और ये पूर्ण रूप से चुनावी बजट है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे बजट अच्छा आएगा, अच्छा आया, लेकिन बढ़िया होता अगर वित्त मंत्री 5 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन दिए होते, जो हम लोग सोच रहे थे। बहुत पहले से जो है भाजपा कहती है कि चुनाव, ये अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि 5 लाख जो है तक की आय को जो है हम इनकम टैक्स फ्री कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। सिर्फ अभी जो है उन्होंने जिसकी 5 लाख के अंदर या 5 लाख तक आया है उसको टैक्स में छूट दिया है, और जिसकी 6 लाख 7 लाख 8 लाख इनकम है उसको जो है पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। इससे जो है आदमी जो है अपनी जिसकी 6 लाख 7 लाख है वो अपनी 5 लाख तक ही जो है कोशिश करेगा दिखाएं। कोई अगर उसकी इनकम 5.5 लाख होती है तो उसको उससे ज़्यादा जो है टैक्स दे देना पड़ेगा। तो अच्छा होता कि वित्त मंत्री जी इसमें 5 लाख तक क्लियर टैक्स एग्जम्पशन देते, 5 लाख के बाद टैक्स लगाते तो मध्यम वर्ग को राहत मिलती, जो मध्यम वर्ग करा रहा है इस समय। राहुल श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर। देखिए, एक लाइन में यदि इस बजट की हम विशेषताएं और चर्चा करें तो निश्चित तौर पर ये जो अंतरिम बजट है ये भारत की विकास यात्रा का उत्सव है। और जब श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी 26 मई 2014 को, तो उन्होंने कहा था पत्रकार मित्रों से कि मेरे सरकार के एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, युवा, बेरोज़गार, व्यापारी सभी होंगे। और आप देखिए 4.5 वर्ष से ऊपर का ये कार्यकाल और ये जो बजट पेश हुआ है, निश्चित तौर पे बहुत सारी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हम लोगों को बधाइयां मिल रही हैं। यह देश की विकास, जैसे भारतीय जनता पार्टी यह विकास की जो यात्रा प्रारंभ की है वह हम कहते हैं कि हम सरकार नहीं बनाने के लिए आए हैं, हम देश बनाने के लिए आए हैं। आप देखिए बजट की हम चर्चा करें तो यह सामान्यतः जो मध्यम वर्गीय लोग हैं यह इतने प्रसन्न हैं कि 2.5 लाख रुपए से स्लैब को बढ़ा करके 5 लाख किया गया, और 5 लाख ही नहीं उसके अलावा 1.5 लाख रुपए की बचत आप कर सकते हैं ATCC के अंतर्गत, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 40,000 था उसको 50,000 कर दिया, यानी लगभग 7 लाख तक का, यानी 5 लाख तक कुछ नहीं देना है, 1.5 लाख फिर और दो, यानी 7 लाख तक का लोगों को रिलैक्सेशन मिला हुआ है। उसके बाद से किसानों के लिए इतना बड़ा कुछ सोच भी नहीं सकता था कि इतना अच्छा तोहफा मिलेगा। 6,000 रुपया यानी सालाना उन्होंने फिक्स किया है, या 2,000 रुपये जल्द ही किसानों के खातों में जाने वाला है। उसके बाद व्यापारी भी GST से भी अभी आपने देखा है कि 40 लाख रुपए तक जिसका व्यापार है उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी पेंशन का स्कीम लेकर के आए हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि हम इस बजट की चर्चा करें तो निश्चित तौर पर यह देश को आगे बढ़ाने वाला है, और देश निश्चित तौर पर आगे बढ़ चुका है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम आज 5वें नंबर पर आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से अपने श्रद्धेय मोदी जी को और वित्त मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और निश्चित तौर पे इस जो ये बजट है और जो विकास की यात्रा है 2019 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्रद्धेय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 3 फरवरी को दोपहर 12 बजे आयकर कार्यालय परिसर गोरखपुर में नवीन आयकर भवन में निर्माण का भूमि पूजन एवं शिलान्यास भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला करेंगे। इस अवसर पर श्रीमती नीना कपूर, सदस्य राजस्व एवं TPS, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली श्रीमती सुनीता पुरी, आयकर महानिदेशक प्रचालन तंत्र नई दिल्ली प्रवीण कुमार, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश पूर्वी लखनऊ भी उपस्थित रहेंगे। नवीन आयकर भवन के अधिकारियों, कर्मचारियों, करदाताओं तथा अधिवक्ताओं एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट के बैठने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस संपूर्ण व्यवस्था होगी। यह जानकारी देते हुए प्रधान आयकर आयुक्त गोरखपुर नित्यानंद ठाकुर ने बताया कि इस अवसर पर आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ साथ गोरखपुर क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि, करदाता, अधिवक्तागण, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तथा समाज के विभिन्न हिस्सों के श्रेष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। सरकार द्वारा शुक्रवार को अनुपूरक बजट 30 करने के बाद भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ ने स्वागत किया। व्यापारियों ने गोलघर इंदिरा गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाई दिया। इस दौरान व्यापारियों ने आतिशबाजी किया और ढोल नगाड़े की धुन पर सरकार को बधाई देते हुए बजट का स्वागत किया। खुशी के इस पल में रवि कुमार मौर्य, संतोष वर्मा, राजू शर्मा, अमित सिंह, विकास दादा, गौरव वर्मा, गौरव गुप्ता, विनय सिंह सहित अन्य व्यापारी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए BJP व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक भोला अग्रहरी ने कहा,
भोला प्रसाद अग्रहरी, आज जो बजट पेश किया गया है उससे खुशी में व्यापार महानगर व्यापार प्रकोष्ठ जो है खुशी मना रहा है। इस बजट में जहां किसान जो है इस देश का काला पेट पालने वाला होता है, इस देश का काला रहनुमाई करने वाला होता है और व्यापारी जो विकास की गति देता है, इन दोनों के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा ही फायदा दिया है। जहां हमारा 2.5 लाख का स्लैब था, इस बजट में व्यापारियों को राहत देते हुए 5 लाख कर दिया गया है। इससे हमारे कर्मचारी इससे फायदा होंगे और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था कर्मचारियों का उसे 40 हज़ार से बढ़ा के 50 हज़ार कर दिया गया है और सरकार जो है जो 40 हज़ार रुपया इनकम करेगा उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। और किसानों के लिए सरकार ने 6 हज़ार रुपया एनुअल जो है इनको राशि देगी, जिसको 3 पार्ट में दिया जाएगा, चर चर महीने में 2-2 हज़ार दिया जाएगा। किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है, अब किसान सुविधा अनुसार अपने लोन भी ले सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, हमारे सैनिक जो सीमाओं पे देश की रक्षा करते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उनका पेंशन सरकार ने बढ़ा के 7 हज़ार कर दिया है। और जो 60 साल के असंगठित मजदूर होते हैं और लोग होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनका भी हमारी सरकार ने पेंशन व्यवस्था 7 हज़ार कर दिया है। ये बजट आम जन के लिए सबके लिए लाभकारी है। इसी की खुशी में हम व्यापारी समाज यहाँ एकत्रित हुए हैं महानगर व्यापार प्रकोष्ठ के माध्यम से, हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जैसा कि हम लोग बहुत खुशी है आने वाले दिनों में भी 2020 साथ ही हमारी सरकार ने छोटे छोटे जो हमारे लोन लेने वाले हैं उद्यमी, उनके लिए भी सरकार ने इस बजट में व्यवस्था की है। ये बजट एक संतुलित बजट है किसानों के लिए। बजट दूरगामी भविष्य में किसान फसल बीमा योजना के माध्यम से सरकार जो ये जो व्यवस्था की है 6 हज़ार रुपया एनुअल, ये किसानों के भविष्य को सुंदर भविष्य का निर्माण करेगी। हम सभी लोग मोदी जी को बधाई देते हैं, इस बजट की घोर घोर प्रशंसा करते हैं। आने वाला दिन भारत का उज्ज्वल रहेगा, प्रत्येक नागरिक का उज्ज्वल रहेगा। खुशी किस तरह से मनाएं? खुशी हम लोग मिठाई वितरण आपके सामने कर रहे हैं, पटाखा बजा कर रहे हैं, सारा जनमानस आज खुशी कर रहा है और हम लोग निरंतर जो है विकास के पथ पर भारत बढ़ रहा है। इसके लिए मोदी जी को हम लोग कोट कोट बधाई देते हैं, धन्यवाद। प्रयागराज कुंभ मेले में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शुक्रवार को रेलवे बस स्टेशन परिसर पर चाय स्टॉल और बिस्कुट की निःशुल्क व्यवस्था किया। निःशुल्क चाय स्टॉल का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर महेश कुमार राय, कृष्ण चंद श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी, विनोद तिवारी, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, हरिओम त्रिपाठी, अजय कुमार सहित संघ के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, परिवहन निगम के कर्मचारियों ने किया है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रशासनिक शाखा के अध्यक्ष श्री विनोद तिवारी जी से अनुरोध, एक माला सहायक प्रशासनिक शाखा के अध्यक्ष है, अब मैं श्री विनोद तिवारी जी, श्री अनिल यादव जी, श्री ज्ञानेंद्र शुक्ला, अब मैं बनर सिंह से अनुरोध करूँगा कि आप इस शाखा के मंत्री सब समर्पित कर हमें देकर और हम यात्रियों को भेजिए, यात्रियों को वाला उधर है। देखिए, इलाहाबाद में जो कुंभ का आयोजन किया गया है उसमें जो गंगा माँ के उस पवित्र गोद में जो लोग जा कर के वहाँ पर एक सुखद अनुभव की अनुभूति प्राप्त करेंगे और कहा गया है कि जो वहाँ पर स्नान करता है सारे उसके पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे पुण्य काम में जो तीर्थयात्री जा रहे हैं उनके लिए रोडवेज के संघ के पदाधिकारियों के द्वारा निःशुल्क जो है टी स्टॉल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यह अनवरत 1 फरवरी से 3 फरवरी तक
ये कार्यक्रम चलेंगे। सारे यात्रियों को यहाँ पर निःशुल्क चाय बिस्किट ये व्यवस्था की गई है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। किशोर की गला रेत कर हत्या, खेत में मिला शव। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा दो लोगों को लिया गया हिरासत में, निजी रंजिश या व्यक्तिगत विवाद की संभावना। अंतरिम केंद्रीय आम बजट में भारतीय रेल के लिए खुला खजाना। यात्री सुविधाओं पर दिया गया विशेष बल। पुराने और नए कार्यों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के लिए मिली भारी धनराशि। केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया अंतरिम आम बजट। विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रिया। 3 फरवरी को आयकर कार्यालय परिसर में अत्याधुनिक नवीन आयकर भवन के निर्माण का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के अनुपूरक बजट का किया स्वागत। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। आतिशबाजी कर ढोल नगाड़े की धुन पर केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की पहल। प्रयागराज कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों के लिए शुरू किया निःशुल्क चाय और बिस्कुट स्टॉल। पिपराइच विधायक ने फीता काट कर किया शुभारंभ। 13 पॉइंट रोस्टर का छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर काली पट्टी बांध कर किया विरोध। केंद्र के अंतरिम आम बजट आने पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने व्यापारियों के संघ की आतिशबाजी कर मनाई खुशी। सरकार को दिया धन्यवाद। दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने सप्त दिवसीय शिविर के अंतर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं और मुख्य मार्गों को साफ कर चलाया जागरूकता अभियान। और स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत फुटबॉल एकेडमी सेंट एंड्रयूज ने कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइच को 3-0 से हराकर फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह किया पक्का। अरकम सी ट्रेवल्स आर ए खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐशप्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए IVF, ICSI, IUI लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें। और सिटी स्कैन, 2D, इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार, मेडिकल कॉलेज रोड, चरगावा, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। बात करके देखते हैं ना, बात करनी चाहिए बात। अमु बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता कि होता है, हो जाता है। समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था, अमू तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं, टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ है ना पापा। हाँ किससे बात कर रहे हो? अम्मू किसी से नहीं। ओ वो मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय गेट पर 13 पॉइंट रोस्टर पर काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार से अध्यादेश बनाने का मांग किया, जिसमें 13 पॉइंट रोस्टर खारिज करने, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने, रोस्टर के लिए पुनः विश्वविद्यालय को इकाई बनाने की मांग छात्रों द्वारा की गई। प्रदर्शन में आदर्श दुबे, राजीव यादव, अनूप यादव, पवन कुमार, सूरज यादव, प्रशांत कुमार, गौरव वर्मा, प्रमोद यादव, अभिषेक निषाद सहित अन्य छात्र शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता राजीव यादव ने कहा। सब लोग भैया लाइन से थोड़ा खड़े हो जाए, थोड़ा भीड़ लगे। वापस लो, वापस लो। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो यूनिट लागू करो, लागू करो, लागू करो। चलो यूनिट लागू करो, लागू करो, लागू करो। राजीव यादव, हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अध्यादेश लाए और पूरे देश में विश्वविद्यालय यूनिट लागू करें और 30 पॉइंट रजिस्टर बंद करें। किस तरह का विरोध कर रहे हैं? देखिए ये विरोध करनी चल रहा है, पहले दिन हम लोग शांति रूप से बैठे थे और आज भी काली पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं। अगर ये सरकार दबे कुचले वंचितों का हक नहीं देती है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे।
महानगर के गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ व्यापारियों ने ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम आम बजट पर खुशी जताई और सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्रीय संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ डॉक्टर संजय अग्रवाल ने कहा, डॉक्टर अजय अग्रवाल, क्षेत्रीय संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ। आज भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ एवं इस गोरखपुर के व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बजट पेश किया है जिससे देश के व्यापारी, किसान, गरीब, मजदूर सब बहुत प्रसन्न हैं। और ऐसा बजट आज़ादी के बाद पहली बार पेश हुआ है जिससे सभी वर्ग बहुत लाभान्वित होगा और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। इससे हर वर्ग को आय, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी हर वर्ग की। सभी के जीविकोपार्जन का ध्यान रखा गया है इस बजट में और इस बजट से व्यापारी जो मीडियम क्लास का था उसमें आईटीआर की जो लिमिट है 5 लाख कर दी गई है, उससे मिडिल क्लास के लोगों को बड़ा फायदा होगा। एफडीआई में भी जो किया है कार्य, ऑनलाइन जो परचेजिंग होती थी उसको भी संशोधित करके और उसको भी व्यापारी हित में फैसला लिया गया। आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, सभी व्यापारी प्रसन्न हैं। ऐसा किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया। इसी बजट से सभी लोग बहुत ही उत्साहित है, बहुत खुशी की लहर सभी व्यापारियों में, किसानों में दौड़ गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को स्वयंसेवकों ने गोलघर के विभिन्न मार्गों और महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई कर जन जागरूकता अभियान चलाया। स्वयंसेवकों और स्वयं सेविकाओं ने स्मारक के आसपास कूड़ा करकट हटाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सफाई अभियान के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र चौहान, गौरव सिंह, अनुप कुमार, अमित यादव, पुष्पेंद्र कुमार, अंकेश यादव, कृष्ण कुमार रंजन, अनुपमा यादव, राजू यादव सहित सभी स्वयंसेवक और सेविकाएं अभियान में शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र चौहान ने कहा, हम लोग दिग्विजयनाथ से हैं। यहाँ पे स्वच्छता अभियान चल रहा है ताकि हर तरह की सफाई हो सके और यहाँ हमारे शहर में बहुत सारी गंदगियाँ हैं, इसलिए हम लोग सब पॉल्यूशन को दूर करने के लिए सफाई कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र चौहान। हम दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय से हैं और हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना का सप्त दिवसीय विशेष शिविर लगा हुआ है और इस बार इस सप्त दिवसीय विशेष शिविर का जो मुख्य ध्येय वाक्य हुआ है स्वच्छ भारत सुंदर भारत और स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसी के अंतर्गत आज 5वां दिन है और हम पिछले 4 दिनों में विभिन्न चौराहों पे जाके वहाँ पे सफाई किए हैं, स्वच्छता का संदेश फैलाए हैं और आज 5वें दिन हम लोग
कचहरी के पास अम्बेडकर चौराहे पे गए हैं, उस प्रतिमा अम्बेडकर प्रतिमा की सफाई की है, चौराहे के आसपास जो भी गंदगी थी उसको साफ किए हैं और फिर आस गमलों में पानी डाले हैं और अगली कड़ी में हम इस चौराहे पे आके सफाई किए हैं। पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर चल रहे फुटबॉल का एक मैच शुक्रवार को फुटबॉल एकेडमी सेंट एंड्रयूज और कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइज के बीच खेला गया। मैच में सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज को एक तरफा मुकाबले में 3-0 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्का किया। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। किशोर की गला रेत कर हत्या, खेत में मिला शव, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा दो लोगों को लिया गया हिरासत में, निजी रंजिश या व्यक्तिगत विवाद की संभावना। अंतरिम केंद्रीय आम बजट में भारतीय रेल के लिए खुला खजाना, यात्री सुविधाओं पर दिया गया विशेष बल, पुराने और नए कार्यों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के लिए मिली भारी धनराशि। केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया अंतरिम आम बजट, विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रिया। 3 फरवरी को आयकर कार्यालय परिसर में अत्याधुनिक नवीन आयकर भवन के निर्माण का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के अनुपूरक बजट का किया स्वागत, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई, आतिशबाजी कर ढोल नगाड़े की धुन पर केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की पहल, प्रयागराज कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों के लिए शुरू किया निःशुल्क चाय और बिस्कुट स्टॉल, पिपराइच विधायक ने फीता काट कर किया शुभारंभ। 13 पॉइंट रोस्टर का छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर काली पट्टी बांध कर किया विरोध। केंद्र के अंतरिम आम बजट आने पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने व्यापारियों के संग की आतिशबाजी कर मनाई खुशी, सरकार को दिया धन्यवाद। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सप्त दिवसीय शिविर के अंतर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं और मुख्य मार्गों को साफ कर चलाया जागरूकता अभियान। और स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत फुटबॉल एकेडमी सेंट एंड्रयूज ने कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइज को 3-0 से हराकर फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह किया पक्का। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।